हाँ बनारस लेना है। मैं कमिंग सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम है शंकर बाई मीना जी सर। और आपने सीनियर में तो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और राजनीति विज्ञान था जी सर। इसके बाद आपने महारानी कॉलेज में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास लिया जी सर। सीनियर में इतिहास नहीं था, यहाँ पर आपने संस्कृत और हिंदी को छोड़ दिया जी सर। फिर आपने एमए में, जब ये इतिहास विषय से एमए किया है जी सर, क्या तय किया था इतिहास लेते समय? एमए जब किया था आपने तो क्या आपका तय हो गया कि आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगी? जी सर। अच्छा, फिर आपने 2020 में एमए करने के बाद उसी वक्त 2020 में नेट जीआरएफ कर लिया? जी सर। अच्छा, तो जीआरएफ अभी आप उठा रही हैं? नहीं सर। आगे आपने पीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया? नहीं सर। क्यों? सर आरएएस की तैयारी कर रही थी। आरएएस की तैयारी कर रही थी। जी सर। तो आरएएस मेंस दे रखा है आपने अभी? जी सर। अच्छा चलो, तो फिर एक यही सवाल कर लेते हैं, अभी आपका ये इंटरव्यू चल रहा है ये, और फिर आरएस के इंटरव्यू भी होने वाले हैं जी सर। यदि आरएस में तहसीलदार सेवा में हो जाता है और इधर कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती हैं, क्या करोगी? सर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करूंगी सर। और यदि वहाँ पर बीडीओ में हो जाता है तो? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहेगी, और यदि इसमें नहीं हुआ तो उसमें। अच्छा अच्छा एमए आपका पसंदीदा रखा था आपने आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। चलिए एक यही सवाल बताइए कि प्राचीन भारत एंशियंट क्यों नहीं रखा, मॉडर्न किस लिए रखा है? सर मॉडर्न इंडिया मुझे पसंद था इसलिए। हाँ तो बताइए आप, मॉडर्न इंडिया आपको किस लिए पसंद है, इसकी कोई खास बात बताइए कि जो आपको एंशियंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया में देखने को नहीं मिलता है वो आपको मॉडर्न में दिखाई दे रहा है जी सर। इसलिए आपने मॉडर्न इंडिया लिया जी सर। क्या खास बात है मॉडर्न इंडिया की? सर मॉडर्न इंडिया में क्रमबद्धता है और जो वर्तमान राजनीति भी उससे जुड़ी हुई है कंटिन्यू। तो सर इसे ले लिया। चलिए तो आप एंशियंट और मिडाइवल में भी तो सवालों के जवाब बताओगी ना? जी सर। एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा पात्र आपको अच्छा लगता है जिसकी आज आवश्यकता है विश्व को? सर जैसे सम्राट अशोक, उसकी धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति, और प्रशासन में भी उसका अच्छा योगदान था, और जो अपनी प्रजा के प्रति उसकी नीति। अच्छा सर उसको पसंद करती। आज का जो भारत का हमारा शासन प्रशासन हमको देखने को मिल रहा है जी सर, क्या प्राचीन भारत में ऐसा था? यस सर, जैसे ये मल्लगण राज गणतंत्र व्यवस्था भी थी उसमें, और जो महात्मा बुद्ध शाक गणराज्य वो भी गणराज्य था। शंकर भाई इतना बताइए कि राजतंत्र और गणतंत्र जी सर, इनमें दोनों में अंतर बताओ। सर राजतंत्र में तो वंशानुगत शासन होता है, जैसे पिता के बाद पुत्री उसका उत्तराधिकारी होगा, और गणतंत्र में जो देश का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता। तो प्राचीन भारत में गणतंत्र के कोई उदाहरण हैं देखने में? गणतंत्र जैसे मल्ल शाक के ये गणतंत्र ही थे सर। अच्छा। महाजनपद काल के दौरान। अभी आप ऐसा बता सकती हैं कि शाक और मल्ल जो हैं वो इस समय कहाँ थे, मतलब? सर बिहार, उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में जी सर। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, कुछ विश्वविद्यालय थे जो आज वापस उनका निर्माण हो रहा है और विश्व उन्हीं प्राचीन शिक्षा पर वापस अपनी शिक्षा, बहुत सारे देश, नालंदा
तक्षशिला बहुत सारे देश ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? सर विश्वविद्यालय तो फर्स्ट तो तक्षशिला था और नालंदा और औदन्तपुरी विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? ये एट प्रेजेंट सर गांधार उधर की साइड। अच्छा, तो एक ऐसा तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ गांधार था और वहाँ से उसकी जड़ कमजोर हो गई और वहाँ पर आज शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। जी सर, क्या कहना चाहोगी? सर ये मुसलमानों के आगमन से उन्होंने इसको नष्ट कर दिया और जैसे कि ये बौद्ध धर्म के भी केंद्र थे तो अच्छा। ये अहिंसा का पालन करते थे और जैसे कि बख्तियार खिलजी जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने इन्हें विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। आपने आपका एक पक्ष लिखा है, कमजोर पक्ष भावुकता। क्या है ये भावुकता? सर जैसे किसी किसी व्यक्ति को देखकर उसकी हालत वैसी देखकर जैसे कोई रोता है किसी दुखी होके तो ऐसे भावुक हो जाते हैं उसकी। फिर तो आपको प्रोफेसर बनना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे आएंगे, उनकी फीस जमा करानी पड़ेगी, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। कराओगी ना? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब क्यों? सर जितनी होगी हेल्प तो करेंगे। करेंगे जी सर। ओ शंकर भाई जी, जी सर, आपके नाम से संबंधित कोई ऐतिहासिक पुरुष का नाम बता सकते हैं आप? जैसे शंकराचार्य, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? शंकराचार्य जिसे प्रछन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ये केरल से थे, केरल के कलाड़ी गांव से थे और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की थी। अच्छा, महारानी कॉलेज से आपने बीए किया है, तो महारानी कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ है पता? सर राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था सर। राम सिंह द्वितीय कौन? ये कछवा वंश का शासक। कहाँ के शासक थे ऐसा कुछ होगा ना? कोई इससे कोई एरिया तो होगा उनका? आमेर। आमेर के शासक? आमेर जयपुर के। अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप रेगुलर? सर रेगुलर तो नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं पढ़ता है। अभी एक न्यूज़ चल रही है नेशनल हेराल्ड, एक समाचार पत्र है जिसके मामले में बड़ा चर्चित चल रहा है, आज़ादी के समय का समाचार पत्र था और ये अभी काफ़ी चर्चित हो रहा है, तो पता है इसके बारे में कुछ? सॉरी सर। अच्छा, आपने एमए किया है आधुनिक भारत से? जी सर। तो आधुनिक भारत हम कब से मानेंगे? सर वैसे तो ये विवादित है लेकिन प्लासी के युद्ध 1757 से माना जाता है। प्लासी के युद्ध से ही क्यों मानेंगे फिर? क्योंकि उसके बाद भारत में ब्रिटिशों को एक केंद्र मिल गया जहाँ से उसने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। तो प्लासी के बाद क्या अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी वो यहाँ पर हो गई थी स्थापित? हाँ सर, प्लासी के बाद, फिर बक्सर के युद्ध के बाद, फिर धीरे धीरे बक्सर के पश्चात। महात्मा गांधी का नाम सुना है? जी सर। तो उनके बारे में कहा जाता है कि आज़ादी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था हमारा, तो आप मानते हैं इस बात को? सर आज़ादी के दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि चलाए थे। तो और उस समय के वो फेमस व्यक्ति थे और लगभग पूरी सत्ता उन्हीं के आसपास घूमते थे, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने कोई पद लिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा कोई भी पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हालांकि राष्ट्रपति पद तो बाद में आया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान के लिए कार्य किया जी सर, तो उनके कोई महत्वपूर्ण योगदान बता सकते हैं? सर उन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। इसके अलावा बताना है, वो तो मैंने बता दिया ना, इसके अलावा और क्या काम? संविधान का निर्माण किया था, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे जिसका संविधान निर्माण किया था। और उसके अलावा उन्होंने जो दलितों के लिए जो विधि मंत्री का पद दिया गया था उनको 1951 संविधान सभा में वो सदस्य चुने गए थे। जी सर। तो कहाँ से थे वो सदस्य पता है? सर वो पहले तो यहाँ से लड़े थे महाराष्ट्र से, लेकिन यहाँ से तो हार गए थे, फिर बंगाल से चुने गए थे शायद। लालबाल पाल के बारे में जानते हैं? सर ये गर्मपंथी नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये क्या होता है गर्मपंथी? गर्मपंथी विचारधारा, ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे सर, जैसे कि जो भाषण, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल भेजना, जैसे कि उदारवादियों ने किया था, ये स्वराज्य की मांग करते थे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पर एक चर्चित नाम चल रहा है
विनायक दामोदर सावरकर जी सर, और उन्होंने 1857 के बारे में लिखा कि वो भारत की पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी सर, इसमें ना वो उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, क्योंकि वैसे तो ना ये सैनिक विद्रोह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अंत में इसमें जनता भी शामिल हुई थी, सैनिकों के अलावा कुछ सामंती वर्ग भी शामिल हुआ था, तो इस और तो इस तरह इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। सहमत है मतलब इस बात से? शंकर भाई जी कैसे हो? ठीक है सर। बढ़िया हो? हाँ। जीआरएफ क्या होता है? जीआरएफ की फुल फॉर्म बता सकते हैं? रिसर्च फेलोस, जूनियर रिसर्च फेलोस। जूनियर रिसर्च फेलोशिप। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च अनुसंधान सर, रिसर्च किसी चीज के बारे में खोज करना, उसका इतिहास बैकग्राउंड वगैरह। सिर्फ किसी वस्तु की, किसी तत्व की खोज करना रिसर्च हो जाएगा? सर्च और रिसर्च में क्या फर्क है? सर्च तो प्रथम बार खोज होती है, और रिसर्च में किसी तथ्य के बारे में दोबारा से खोजना होता है सर। तथ्य के बारे में? हाँ, तथ्य जो भी। आपने पीएचडी की है? नहीं सर। आगे करोगे? जी सर। पीएचडी कौन से टॉपिक में करने का प्लान कर रहे हो? सर राजस्थान इतिहास। राजस्थान का इतिहास में? हाँ। आपकी सर जो बीए थी, हाँ, उसमें हिस्ट्री के कौन कौन से पेपर रहे हैं? सर फर्स्ट ईयर में तो एंशियंट इंडिया थी, और उसके अलावा एक कल्चर वाला पार्ट था, और सेकंड ईयर मिडाइवल हिस्ट्री थी, और फाइनल ईयर में मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री थी। संस्कृति और सभ्यता में अंतर बता सकते हैं? सर सभ्यता तो मूर्त रूप होती है, और संस्कृति उसका अमूर्त रूप होता है। संस्कृति, संस्कृति के बाद सभ्यता आती है। संस्कृति पहले और सभ्यता बाद में आती है। राजस्थान में सभ्यताओं वाले प्राचीन केंद्र कौन कौन से? जैसे कालीबंगा, आहाड़, बैराट। पूर्वी राजस्थान के कोई केंद्र हैं? पूर्वी राजस्थान में बैराट सर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? करौली। करौली में ऐसा कोई प्राचीन सभ्यता वाला स्थल? सॉरी सर, कुछ हिस्ट्री फेमस जो करौली का कुछ हिस्ट्री ऐसा है? यादव वंश की जादौनसा का राज्य था सर यहाँ पर, और विजयपाल ने यहाँ ये इसका इसकी स्थापना की थी जादौन शाखा की, और तिमन पाल ने यहाँ पर तिमनगढ़ किला बनवाया था। विजयपाल ने स्थापना की थी। उसके बाद गणेश पाल यहाँ के अंतिम शासक थे। हरबख्श पाल ने 1817 में सहायक संधि की थी। और हाल ही के दिनों में करौली चर्चा में क्यों रहा है? करौली सांप्रदायिक दंगों के कारण। सांप्रदायिक दंगों के कारण? जी सर। आपको जानकारी है क्यों हुए? सर ये कुछ नब्बर्स के दौरान सर रैली निकल रही थी, उस पर कुछ पत्थर मारे थे। नब्बर्स या हिंदू नब्बर्स? हिंदू। मध्यकाल में जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके धार्मिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे या आर्थिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे? सर दोनों ही कारण थे। दोनों कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पे, उसमें धार्मिक रूप में भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? मुसलमानों के आगमन सर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो हिंदू धर्म था वो अपने में समाहित कर लेता था अदर धर्मों की विशेषताओं को भी, और धीरे धीरे कुछ हद तक उसको परिवर्तित कर पाए, लेकिन पूरी तरह धर्म को परिवर्तित नहीं कर। अच्छा, जो जैसे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया या दूसरे मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया, क्या इसके तोड़ने के कारण धार्मिक थे या आर्थिक कारण थे ज्यादा? सर धार्मिक और आर्थिक दोनों ही कारण थे, क्योंकि मंदिर यहाँ संपत्ति के केंद्र थे, उनको भी प्राप्त करना था, और धर्म की दृष्टि से वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो उन्होंने मूर्तियों को भी तोड़ा था। अच्छा, तोड़ा था। शेरशाह सूरी के बारे में जानती हैं आप? जी सर। ऐसा माना जाता है कि अकबर की जन कल्याण नीतियों का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी शेरशाह सूरी था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर। किस प्रकार आप अपनी बात को सहमत कर सकती हैं? क्योंकि सर जो भूमि राजस्व व्यवस्था थी शेरशाह की, प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे कि उन्होंने सरायों का निर्माण करवाया, रास्तों का निर्माण करवाया, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड एट प्रेजेंट है, उसका निर्माण भी उसी ने पुनः निर्माण करवाया था, जिसका पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करवाया था,
और भूमि राजस्व व्यवस्था में भी, राजस्व व्यवस्था में उन्होंने रेत वाली व्यवस्था जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, तो और टोडरमल भी उनके दरबार में थे पहले राजस्व अधिकारी के रूप में। अकबर की जो राजपूत नीति थी जी सर, वो उसकी कूटनीतिक नीति थी, समय की आवश्यकता थी या उसकी सहिष्णुता थी? सर अकबर की राजपूतों के प्रति नीति जो नीति थी वो तात्कालिक समय की आवश्यकता थी, उसकी कूटनीतिक थी या उसकी सहिष्णुता, वो सही में सहिष्णुता की भावना से ओतप्रोत था इस वजह से उसने राजपूतों के प्रति सामंजस्य की नीति अपनाई? सर तीनों ही कारण है उसके। तीनों कारण है? हाँ सर। अच्छा, इन कारणों का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा अकबर की राजपूत नीति का? अकबर की राजपूत नीति का राजपूत वैसे स्वतंत्रता प्रिय थे, लेकिन उनकी सहिष्णुता की नीति जैसे कि जाजिया कर को हटाना और धार्मिक कर को हटाना, उससे धीरे धीरे उसके छत्र तले चले गए धीरे धीरे। 1570 में नागौर दरबार लगा था, उसमें भी गए थे, और जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उन पर आक्रमण करके उन्होंने अधीन किया था। इतिहास में दो शासक हुए हैं, एक अशोक महान कहा जाता है, दूसरा अकबर महान कहा जाता है। अकबर के वो कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से उसे अशोक अकबर महान की संज्ञा दी जाती है? सर एक तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, और अच्छा शंकर जी सर, आप शंकर ही बोलते होंगे वो घर पे तो जी सर, आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री? पसंदीदा है सर कोई भी टॉपिक, एक कोई भी पात्र जो आप बहुत अच्छा उसे समझा सकते हैं। होम रूल लीग। होम रूल लीग होम रूल लीग तो ये बोर्ड है, आप एक व्याख्याता के रूप में हमें थोड़ा सा एक मिनट बताएं। पेन भी रखा और डस्टर भी है। होम रूल लीग होम रूल लीग में हम पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। फिर इसकी विशेषता देखेंगे। बहुत बढ़िया। फिर होम रूल आंदोलन। आंदोलन का प्रसार। फिर इसके महत्व। परिभाषा में होम हमारी तरफ देख के बताएं, परिभाषा बोले आराम से। सर होम रूल से आशय है गृह शासन। होम रूल आराम से, कोई नहीं। गृह शासन अर्थात भारतीयों के द्वारा शासन किया जाना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। होम रूल अवधारणा सर्वप्रथम आयरलैंड में प्रारंभ हुई थी। इसके प्रारंभकर्ता रेमंड थे। भारत में होम रूल का कॉन्सेप्ट एनी विसेंट द्वारा लाया गया था। अच्छा, ये लगभग कब की बात है? ये 1916 जी सर। होम रूल लीग भारत में, होम रूल लीग की भारत में तीन शाखाएं थी। एक तिलक द्वारा चलाया गया था अप्रैल 1916 में, और दूसरा एनी विसेंट द्वारा 3 सितंबर 1916, और तीसरी लाला लाजपत राय द्वारा न्यूयॉर्क होम रूल लीग। तिलक का एरिया तो कहाँ था सर? मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक। और दूसरा उसका तिलक के एरिया को छोड़कर बाकी एनी मद्रास का कहाँ था? मद्रास में किसका था? मद्रास में एनी विसेंट का था सर। अच्छा, एनी विसेंट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान होम रूल ही है या उसके अलावा और भी कोई है? सर 1917 में उसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता जी सर। आइए बैठिए। वेरी गुड। आपका जन्म 1997 जनवरी 15 जनवरी 1997 हुआ था जी सर। आपके जन्म से 100 साल पहले भारत में क्या घटना घटी थी? सर रेंड और आर्यष्ट की हत्या की थी चाफेकर बंधुओं ने।
क्या घटना थी ये? सर ये क्रांतिकारी घटना थी जिसमें पुणे में प्लेग फैला हुआ था और अंग्रेजों द्वारा ज्यादती किए जाने पर तिलक ने अखबार में उनके बारे में निकाला था। उसके बाद चाफेकर बंधु ने रैंड तथा आर्यष्ट इनकी हत्या कर दी थी सर, गोली मार कर। एक सवाल और है शंकर आपसे। जी सर, भारत के इतिहास में जितने भी वंश हैं और शासक है, आपको किसी एक वंश को निकालना है, किसको निकालोगे? इतिहास यदि आपको लिखने को दिया जाए तो, और ये कहा जाए कि आपको एक वंश हटाना है, सर इतिहास में से वंश को कैसे हटा सकते हैं? ये आपको कहा जाए कि किसी एक वंश को हटाना है, किसको हटाओगे? ओके